सज्जन कुमार को लेकर आज काफी अहम सुनवाई थी, आज गवाही दी गई, क्या कुछ रहा? ये सज्जन कुमार का सुल्तानपुरी का केस है। ये कटकुदमा कोर्ट में ये पहले लास्ट ईयर 2015 सितंबर में 10 सितंबर 2015 को ये शीला कौर की गवाही चल रही थी। जब हमारे मुताबिक के ये गवाही जो ठीक नहीं लिखी थी जज साहब ने, उसके बाद हमने हाईकोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन डाली कि जहाँ से केस ट्रांसफर किया जाए, तो ये केस ट्रांसफर होके यहाँ पे इस कोर्ट में आया। आज उसके बाद पहली बार वो शीला कौर कोर्ट में पेश हुई, तो आज तकरीबन एक घंटा सज्जन कुमार के वकील ने इसको क्रॉसियाबंद किया और उसके बाद वो कुछ स्टेटमेंट, पुरानी स्टेटमेंट इसको दिखाना चाहते थे, तो जज साहब ने उनको कहा कि लॉ के मुताबिक आपको इनकी सर्टिफाइड कॉपी फाइल करनी चाहिए। तो आज सज्जन कुमार के वकील ने सर्टिफाइड कॉपी फाइल करने के लिए टाइम मांगा है कोर्ट से और कोर्ट ने उनको टाइम दिया है और ये अब 21 अक्टूबर की इसमें डेट लगाई है। ये सुल्तानपुरी में एक थाने में 361 सिखों को का कत्ल हुआ था, 650 सिखों के घरों को जलाया था और इसमें अभी तक सिर्फ 3 लोगों को सजा हुई है। और ये जो इसने शीला कौर ने भी और बाकी कुछ गवाहों ने जो इस केस में कहा है कि सज्जन कुमार इस मॉब को लीड कर रहा था, तो अब ये गवाही ये जो चल रही है शीला कौर की, वो गवाही जो अभी आगे चलेगी, क्रॉस एग्जामिनेशन सज्जन कुमार के वकील अभी कर रहे हैं, तो वो आगे 21 अक्टूबर को वो इसका क्रॉस एग्जामिनेशन आगे चलेगा। आज शीला कौर की तरफ से क्या कुछ कोर्ट में कहा गया है क्रॉस एग्जामिन के दौरान? जब उसके वकीलों ने ये बात शीला कौर को कही कि आप ये गलत बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, तो ये स्टेटमेंट आपने पुलिस को दी थी ये 10 फरवरी 1985 में और उस स्टेटमेंट में आपने सज्जन कुमार का नाम नहीं लिया, तो सीबीआई के वकील ने कहा उस बात पे कि ये सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ये है कि ये स्टेटमेंट जो पुलिस ने बनाई है गलत बनाई है, ये स्टेटमेंट ही क्योंकि पुलिस खुद बीच में इन्वॉल्व थी इसमें, तो उन्होंने ये गलत रिकॉर्ड किया है, इसी की वजह से नानावती कमीशन ने ये केस दूसरी बार ट्राई करने के लिए कहा और सीबीआई की अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये बातें आती हैं, तो वो सीबीआई के वकील ने आज कोर्ट को ये बात बताई। सज्जन कुमार भी आज मौजूद रहे कोर्ट में? सज्जन कुमार भी मौजूद थे क्योंकि मुल्जिम है, उनको मौजूद होना है और अगली डेट पे भी मौजूद होंगे। ठीक है, थैंक यू।